Hubble Space Telescope. टेलीस्कोप फार डिस्टेंट प्लेस के ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज बनाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। अप्रैल 1990 में इस टेलीस्कोप को एक स्पेस शटल के द्वारा स्पेस में ले जाया गया और अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल की याद में इसका नाम दिया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप की लेंथ 13.2 मीटर्स है और इसका वेट है 11,110 किलोग्राम्स, जो लगभग दो अडल्ट एलिफेंट्स के वेट इतना है। इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में ले जाने के पीछे रीजन भी बहुत बड़ा है। अर्थ से किए जाने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा लाइट का डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज पाना काफी डिफिकल्ट होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होने के कारण ऐसे डिस्टॉर्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसकी हेल्प से किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज लेना काफी आसान है। अब जानते हैं हाउ डज इट फॉर्म्स इमेज। बेसिकली उसमें दो मिरर्स होते हैं, प्राइमरी मिरर जो कि एक लार्ज कॉनकेव मिरर है, वह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट कलेक्ट करता है और इस लाइट को सेकेंडरी मिरर की तरफ कॉन्वर्ज करता है। सेकेंडरी मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर है, उस पर गिरने वाली लाइट को वह फिर से रिफ्लेक्ट करता है। ट्रैवल करते हुए रिफ्लेक्टेड लाइट प्राइमरी मिरर में बने एक होल से होते हुए साइंस और गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट में पहुंचती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज दिस लाइट फॉर स्टडिंग द स्पेस एंड टेकिंग इमेजेस। स्पेस में होने के कारण ये भी एक बड़ा सवाल है कि टेलीस्कोप का मेंटेनेंस कैसे करें। हबल स्पेस टेलीस्कोप इस तरह डिजाइन किया गया है कि आसानी से उसकी सर्विसिंग की जाए। जैसे लॉन्च के बाद साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस ऑब्जेक्ट्स की क्लियर इमेजेस नहीं बना पा रहा। कारण ढूंढने पर पता चला कि फॉल्ट प्राइमरी मिरर में है, इसलिए फर्स्ट सर्विसिंग मिशन किया गया 1993 में, जिसमें प्राइमरी मिरर का फ्लॉ ठीक करने के लिए करेक्टिव लेंस लगाए गए। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी रिपेयर किए गए। इस मिशन के साथ टेलीस्कोप की सोची हुई क्वालिटी रिस्टोर की गई। 1993 से 2009 तक 5 सर्विसिंग मिशन किए गए। लास्ट मिशन वॉज फिनिश्ड इन 2009। अब बात करते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्रोड्यूस की इमेज की क्लियरिटी की। क्योंकि इसका ऑर्बिट अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, इसलिए स्पेस में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स की एक्सट्रीमली शार्प इमेजेस ले सकते हैं। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज इतनी क्लियर है कि इससे हमें यूनिवर्स के फादरस्ट गैलेक्सीज का पता चलता है। यह हमें गैलेक्सीज कितने डिस्टेंस पर है यही आइडिया नहीं देती, यह हमें यूनिवर्स किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये भी बताती है। द रेट एट विच गैलेक्सीज आर करेंटली मूविंग अपार्ट फ्रॉम वन अनादर इज कॉल्ड हबल कॉन्स्टेंट। इससे एस्टिमेट करना पॉसिबल हुआ कि यूनिवर्स की एज लगभग 13.772 बिलियन ईयर्स है। विद द हेल्प ऑफ HST, फर्स्ट टाइम इट बिकम पॉसिबल टू स्टडी द कोलिजन ऑफ कॉमेट विद जुपिटर। इट वॉज प्रेडिक्टेड दैट द इवेंट हैपन्स वंस एवरी फ्यू सेंचुरीज। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ये भी जानना पॉसिबल हुआ कि हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल होता है जो उसके सेंटर में होता है। इस टेलीस्कोप का स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन समझने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। Here we complete this topic. For more such videos, visit learnfatafat.com.